दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों लैला मजनू से लेकर हीर रांझा तक आपने कई सारी प्रेम कहानियां सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनने के बाद आपकी नजरों में प्यार के मायने ही बदल जाएंगे। पाकिस्तान के सिंध में किंजर नाम की एक बहुत ही खूबसूरत झील है, लेकिन ये झील अपनी खूबसूरती से ज्यादा उस प्रेम की दास्तां के लिए मशहूर है जिसने कास्ट, क्लास और स्टेटस जैसे सामाजिक बंधनों को तोड़कर इतिहास में अपनी जगह बना ली। ये कहानी है सिंध के राजा जाम तमाची की और झील के किनारे रहने वाली एक लड़की नूरी की, जहां इनके प्यार की निशानी आज भी किंजर झील के बीचों बीच बने मकबरे के रूप में मौजूद है। तो क्या है इनकी सच्ची प्रेम कहानी, इसे जानने के लिए मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ इसी तरह बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों 14वीं शताब्दी में सिंध पर जाम तमाची का राज चलता था, जिन्होंने अपने साम्राज्य पर बड़ी बहादुरी और न्यायपूर्ण तरीके से राज किया और ये पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध थे। तो वहीं दूसरी तरफ किंजर झील के उस पार मछुआरों के छोटे से गांव में नूरी नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती थी। कड़ी धूप में काम करने की वजह से गांव में सभी का रंग दबा हुआ था सिवाय नूरी के, जिसका रंग दूध जैसा सफेद था और चमक ऐसी थी कि चांद भी देखकर शर्मा जाए। नूरी के पिता मछुआरे थे और उसे झील के पास समय बिताना भी अच्छा लगता था, इसलिए वो अक्सर अपने पिता की मदद करने पहुंच जाती थी। और राजा जाम तमाची को शिकार करने का बड़ा शौक था। एक दिन जब राजा तमाची शिकार करने के लिए निकले तो पूरा दिन इधर उधर अपना घोड़ा दौड़ाने के बावजूद उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा थी, इसलिए राजा ने पास के गांव में कुछ पल आराम करने का फैसला किया। राजा के आने की खबर मिलते ही गाँव वालों में बिजली जैसी फुर्ती आ गई, सजावट शुरू हो गई और पूरे गाँव को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। वहीं हर कोई अलग अलग तरह के पकवान राजा के लिए बना रहा था ताकि राजा को खुश किया जा सके। नूरी के पास खड़े गांव वालों के जरिए ये बात नूरी तक भी पहुंच गई। गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे कि राजा जी तो सोने के वस्त्र पहनते हैं, उनके पास एक से बढ़कर एक जेवरात है, जिसे सुनकर नूरी काफी ज्यादा खुश हो गई क्योंकि उसने आज से पहले किसी भी शाही आदमी को नहीं देखा था। इसलिए गाँव वालों की बातें सुनकर वो भी राजा को देखने के लिए उत्सुक हो गई। जैसे ही नूरी राजा जाम तमाची के सामने आई, दोनों की आंखें मिली और पहली नजर में ही दोनों को प्यार हो गया। जी हाँ, आप पहली नजर के प्यार को माने या ना माने, लेकिन राजा जाम तमाची के लिए नूरी किसी अप्सरा से कम नहीं थी, जिन्हें देखकर राजा अपने आप को रोक नहीं पाए और तुरंत सोने जेवरात भेजकर नूरी को शादी का प्रस्ताव भेज दिया। राजा नूरी से शादी करना चाहते थे, लेकिन गांव वालों को ये बात खटकने लगी क्योंकि उस समय में शाही घराने के लोग आम लोगों से रिश्ता नहीं जोड़ते थे। लेकिन नूरी ने गांव वालों की बातों को नजरअंदाज करके राजा जाम तमाची के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनसे शादी करने के लिए हाँ भी भर दी। अपनी पुरानी जिंदगी को यादों में समेटकर राजा के साथ एक नई जिंदगी बसाने के लिए नूरी राजमहल पहुंचती है, लेकिन वहां पहुंचकर नूरी ने देखा कि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। राजा तमाची की पहले से ही 6 बीवियां थी, उन सभी के दिल में नूरी के लिए सिवाय नफरत, जलन और घृणा के कुछ और नहीं था। पहली बात तो नूरी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और ऊपर से वो राजा की सबसे पसंदीदा रानी भी बन गई। इस वजह से बाकी बीवियों ने राजा के मन में नूरी के खिलाफ जहर भरना शुरू कर दिया, लेकिन राजा तमाची नूरी को इतना चाहते थे कि वो अपनी बाकी बीवियों की बातों पर रत्ती भर भी ध्यान नहीं देते थे। नूरी की खूबसूरती और सादगी ने राजा को पूरी तरह से मोहित कर दिया था। ये सब होता देख राजा की बीवियों के मन में नूरी के लिए नफरत बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उन्होंने एक नई अफवाह शुरू की कि नूरी महल की तिजोरी से जेवरात और गहने चुराकर अपने भाई को देती है। पहले तो राजा जाम तमाची को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब दरबारियों ने भी रानियों की बात पर हाँ भी भरी तो राजा तमाची भी देखना चाहते थे कि ये बात कितनी सच है। इसलिए नूरी का भाई जब उससे मिलने आता तो नूरी उसे जाते समय एक बक्सा दे देती थी। लोगों का कहना था कि इसी बक्से में शाही जेवरात मौजूद है। इस बार जब नूरी वो बक्सा अपने भाई को दे रही थी तो सिपाहियों ने दोनों को घेर लिया। नूरी ने राजा तमाची की तरफ प्रश्न भरी आंखों से देखा, लेकिन उस दिन राजा तमाची कुछ नहीं बोले।
और सिपाहियों को इशारा किया कि बक्सा उनके हवाले किया जाए। राजा ने जब बक्सा खोला तो अंदर मौजूद चीजों को देखकर वो हक्के बक्के रह गए। बक्से में हीरे जेवरात नहीं बल्कि मछली के कांटे और रोटियों के टुकड़े पड़े थे। राजा तमाची ने हैरान होकर नूरी से पूछा, नूरी ये क्या है? तब नूरी ने बताया कि उसे डर था कि अगर उसे राजमहल के खाने की आदत लग गई तो वो अपने गांव को भूल जाएगी। इसलिए उसने अपने भाई से कहा था कि जब भी वो नूरी से मिलने आए अपने साथ घर से दो रोटी और मछली के टुकड़े एक बक्से में लेकर आए। नूरी ने राजा तमाची से बात छुपा कर रखी थी ताकि राजा को ये न लगे कि नूरी महल के खाने की इज्जत नहीं करती। नूरी की इस मासूमियत को देखकर राजा की आंखें भर आई और उस दिन से नूरी के लिए राजा के दिल में प्यार और इज्जत और भी बढ़ गई। जिसके बाद राजा ने नूरी से कहा कि वो जब चाहे अपने गांव जा सकती है। कभी कभी राजा भी नूरी के साथ कश्ती में बैठकर झील की सैर करते थे। अब नूरी के खिलाफ महल में एक शब्द कहने की भी किसी की हिम्मत नहीं थी। राजा उसे अपनी पलकों पर बैठा कर रखते थे, लेकिन बहुत जल्दी ही नूरी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। नूरी के जाने के बाद राजा तमाची की जिंदगी सूनी पड़ गई और यही वजह है कि राजा तमाची ने अपनी सबसे प्यारी पत्नी के लिए किंजर झील में एक मकबरा बनवाया, ठीक वहीं पर जहां से उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई थी। ये मकबरा चारों तरफ से पानी से घिरे रहने के बाद भी आज तक डूबा नहीं है और सिंध का ये बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। प्यार की निशानी को देखने के लिए कई सारे लोग झील के पास आते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि कैसे एक मछुआरे की बेटी के लिए राजा ने सारी हदें पार कर दी और प्रेम की ऐसी दास्तान लिख दी जिसे मिटा पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये थी राजा जाम तमाची की और नूरी की सच्ची प्रेम कहानी। जिस पर आपका क्या कहना है कमेंट में बताइए और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।